अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एंजल ब्लॉग्स बाय इरम। और जी, आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह के टोनर्स। एक हम एप्पल साइडर टोनर बनाएंगे और एक हम ग्रीन टी टोनर बनाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जी, ये अब टोनर्स का काम क्या है? टोनर्स आपकी स्किन को टोन करते हैं, आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं और आपकी स्किन के जो लार्ज ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करते हैं, उनको क्लोज करते हैं। उसके अलावा आप टोनर्स यूज़ करते हैं, आपकी स्किन टोन होती है तो उससे आपके रिंकल्स होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपकी स्किन टाइटन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा टोनर जो हैं वो आपकी स्किन का पीएच लेवल जो है वो उसको बैलेंस करते हैं। स्किन का पीएच लेवल कंट्रोल करने के साथ साथ, बैलेंस करने के साथ साथ, ये आपकी स्किन को यंग रखते हैं, यूथफुल रखते हैं और जो है क्या कह सकते हैं कि एक्नी फ्री आपकी स्किन को ये रखते हैं। और स्किन का जो पीएच लेवल है उसको तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। इसके अलावा टोनर आपकी स्किन को रिफ़्रेश भी करता है और आपके जो पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स नहीं आपकी स्किन पे होने देता, क्योंकि आपकी स्किन से बैक्टीरिया वगैरह जो भी आपकी स्किन पे अगर कोई होती हैं तो वो आप जब टोनर लगाते हैं तो वो टोनर के साथ रिमूव हो जाते हैं। तो टोनर आपके फेस पे जो एक्सेसिव ऑयल होता है, एक्सेसिव आपके डर्ट होती है या कोई मेकअप वगैरह जो लेफ़्ट ओवर होता है तो उसको ये चीज़ जो टोनर है वो इन तमाम चीज़ों को रिड्यूस करता है, ठीक है जी, रिमूव करता है। और उसके अलावा टोनर जो है वो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि टोनर लगा के हमें फ़ेस वॉश कर लेना चाहिए। नो, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि टोनर से अपना फ़ेस साफ़ करने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेना चाहिए। और अगर आपने कभी मेकअप करना है तो आप टोनर यूज़ करें, स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करें और उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करें। जी, तो हमने अब दो टोनर बनाने हैं, एक एप्पल साइडर टोनर बनाना है और एक ये देख सकते हैं आप कप में ग्रीन टी मैंने बना के रखी है, तो हमने ग्रीन टी टोनर बनाना है। तो चलते हैं पहला टोनर बनाने की तरफ। जी, तो हमारा पहला टोनर है एप्पल साइडर टोनर। एप्पल साइडर टोनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक जो है, ये देखिए मैंने ये बॉटल ले ली है, कोई भी साफ सी खाली बॉटल आपने ले लेनी है और कोशिश करें स्प्रे वाली बॉटल हो, ठीक है। अब इसमें हमने किस तरह बनाना है कि हमने इसमें जितना पानी लेंगे उसका 1/4 पार्ट जो है वो हम जो है एप्पल साइडर इसमें ऐड करेंगे। तो ये बॉटल है, मैं इसमें आपको ऐड करके बताती हूँ कि मैंने कितना पानी ऐड किया है इसके अंदर। जितना आपने पानी ऐड करना है, ये देखिए मैंने इसमें इतना पानी ऐड कर लिया, तकरीबन हाफ से थोड़ी कम ही बॉटल मैंने ये ऐड किया है पानी। जितना आपने पानी ऐड करना है उसका 1/4 पार्ट आपने साइडर जो है वो ऐड करना है। अब देखें, देख सकते हैं वीडियो में इतना मैंने पानी ऐड किया है और इसमें अब इसका 1/4 पार्ट तकरीबन भी बनेगा तो 2 टेबल स्पून आप इसका विनेगर बन जाएगा। तो आपने हिसाब इसका यही रखना है कि जितना पानी उसका 1/4 पार्ट जो है वो आपने एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये तकरीबन हाफ से कम ये लिया है पानी और उसके बाद साइडर के जो है वो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो विनेगर डालना है। ये हो गया 1 टेबल स्पून और ये हो गया 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये 2 टेबल स्पून हमने साइडर ऐड कर लिया है तो इसको अब ये देखें मैंने बोतल के ढक्कन को बंद कर लिया, इसको बहुत अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। ये देखें जी, ये आपका एप्पल साइडर विनेगर का जो टोनर है वो आपका बनकर, देखें इसमें बबल्स बने हैं, ये इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और ये आपका एप्पल साइडर विनेगर टोनर जो है वो रेडी है। बाद में मैं इनके यूज़ भी बताती हूँ कैसे आपने यूज़ करना है, तो आप पहले देख लें कि बनाना कैसे है। ये हो गया हमारा एप्पल साइडर टोनर, अब हम चलते हैं दूसरा टोनर बनाने की तरफ। अच्छा, दूसरे टोनर की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये कौन कौन सी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। तो जिनकी एक्स्ट्रा जो सेंसिटिव स्किन है तो वो ये वाला विनेगर टोनर जो है वो यूज़ ना करें, इससे वो अवॉइड करें। और जिनकी नॉर्मल है, मतलब सेंसिटिव ज़रा स्किन है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है मतलब नॉर्मल है, तो वो लोग इसका पहले जो है वो नेक के ऊपर पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट क्या होता है कि आपने एक इसको कॉटन पैड पे लगा के टोनर को गर्दन पे लगा के देखना है
कि आपको जलन तो महसूस नहीं हो रही, इचिंग तो नहीं हो रही, तो अगर नहीं ऐसा होगा तो फिर आप फेस पे लगाएं, अदरवाइज आप फेस पे इसको ना लगाएं, क्योंकि वो से लोगों की स्किन जो है वो मतलब हर किसी की डिफरेंट होती है, ठीक है जी। तो सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव वाले इसको यूज़ ना करें, सेंसिटिव वाले और नॉर्मल वाले जो हैं वो पहले इसका पैच टेस्ट कर लें और उसके बाद इसको वो यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अपर साइडर की जो होती है खुशबू होती है, या स्मेल कह सकते हैं जो भी है, वो कोई ख़ास इतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ी सी नोज़ को चढ़ती है वो स्मेल। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी फ्रेगरेंस अच्छी हो जाए, तो आपके पास अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल अवेलेबल है तो आप एसेंशियल ऑयल के 5 to 7 ड्रॉप्स जो है वो आपके इसको ऐड कर लें, तो आपकी इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपना सेकेंड टोनर बनाने की तरफ। जी, तो हमारा जो हमने आज दूसरा टोनर बनाना है वो है ग्रीन टी टोनर। अब ग्रीन टी टोनर बनाने के लिए पहले आप इसके बेनिफिट्स देख लें। ग्रीन टी जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, और इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपकी स्किन पर पिंपल नहीं होने देंगे, और आपकी स्किन जो है वो पिंपल फ्री हो जाएगी, एक्ने फ्री हो जाएगी, और आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी, ठीक है। इसके लिए अब हमने बनाना कैसी है इसको आप इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों टर्नर्स की बता दूंगी अमाउंट्स जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है हर चीज़ की। तो दूसरा टोनर हमारा है ग्रीन टी टोनर। इसके लिए आपने 1 पार्ट आपने ग्रीन टी लेनी है, तो 2 पार्ट आपने उसके रोज़ वाटर के लेने हैं, 2 ड्रॉप्स हनी के लेने हैं, और 1 टीस्पून जो है वो एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना। अगर आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर ना भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट रोज़ वाटर, ग्रीन टी एंड हनी से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आप अपने बनाने की तरफ। ये देखिए, मैंने एक खाली बॉटल ले ली, स्प्रे वाली बॉटल नहीं थी तो मैंने इस तरह की ले ली है, ये इस तरह से है, तो ये आराम से कॉटन पैड पर लग सकती है इससे भी। तो अब बनाने की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको बोतल में डाल के दिखाती हूँ कि 1 पार्ट इसका डालेंगे तो 2 पार्ट हमने रोज़ वाटर के डालने हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ डालकर, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल सा बना के रख लें, जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसको दोबारा बना लें, ठीक है जी। तो ज़्यादा बना के रखेंगे तो फिर वो अगर अगर फ्रेश होएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा तो वो मतलब सही नहीं रहेगा स्किन के लिए, तो फ्रेश ही चीज़ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये मैंने इतनी जो है वो ग्रीन टी ले ली है। अब इसका जो 2 पार्ट इसके हैं हमने वो रोज़ वाटर के लेने हैं। ये देखें, ये रोज़ वाटर मेरे पास है मरहबा का, आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखें, इतना 1 पार्ट ये हो गया ग्रीन टी। अब 2 पार्ट इसमें मैं, ये देखें, ये रोज़ वाटर 2 पार्ट ऐड करूँगी। ये 1 पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट हो गया, ठीक है। 1 पार्ट ग्रीन टी ले लिया और 2 पार्ट इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ ऐड करके। 1 टीस्पून लेंगे, टेबलस्पून नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा। ये हो गया जी 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ठीक है जी। ये विनेगर आपको बताया था, देख लें आप कौन सा लिया है, मैंने ये अमेरिकन गार्डन वाला लिया है, ठीक है। ये हो गया, और 2 ड्रॉप्स आपने इसमें हनी के ऐड कर लेते हैं। ये देखें जी, 2 ड्रॉप्स मैंने हनी ऐड कर लिया इसके अंदर। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, ये हमारा बहुत अच्छा सा जो है वो ग्रीन टी टोनर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है जी। तो हमारा पहला टोनर था एप्पल साइडर टोनर, दूसरा था ग्रीन टी टोनर, दोनों टोनर हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है आपने। आप इसका यूज़ देख लें, टोनर्स का आपने कैसे यूज़ करना है। कोई भी टोनर है उसको यूज़ करने से पहले आपने उसको शेक कर लेना है, तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप लेंगे इस तरह से टिश्यू पेपर लेंगे फोल्ड करके, या कोई सा भी कॉटन पैड ले लेंगे, तो उसके ऊपर इस तरह से, ये देखें जैसे मैं स्प्रे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सारा इसके ऊपर स्प्रे करके, तो फिर आपने क्या करना है, ज़्यादा सा स्प्रे करके, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किन है तो आपने क्या करना है उसको इस तरह से, ये देखें ऐसे अपनी स्किन को उससे साफ़ कर लेना है।
मतलब फेस पे डायरेक्ट स्प्रे करने से बेहतर है कि आप इस तरह से टिश्यू पे या कॉटन पैड पे लगाएं और उसके साथ स्किन को अपनी को साफ कर लें। ये देखें आपको फिर भी, अब हालांकि मैंने हैंड वॉश किया हुआ तो फिर भी आपको हल्का फुल्का सा ये देखें मैलापन नज़र आ रहा होगा टिश्यू के ऊपर। आपकी स्किन पे कोई ना कोई डर्ट, एक्सेसिव ऑयल, एक्सेसिव डर्ट और लेफ्ट ओवर मेकअप वगैरह कुछ ना कुछ होता है आपकी स्किन में ना, जो वॉश करने से भी नहीं जाता है, तो वो आपका टोनर जो है वो उसको रिमूव करता है, तो आपकी स्किन जो है वो एक्ने फ्री और पिंपल फ्री हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थे आज के मेरे एप्पल साइडर विनेगर टोनर और ग्रीन टी टोनर जी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।